Hey you all my lovelies, welcome back to the channel guys. I really hope आप सब बहुत मजे से हो, एकदम सेफ हो अपनी फैमिलीज के साथ. सो गाइज, आज होने वाला है ह्यूज मीशो हॉल, जिसमें मैं सारे ही प्रोडक्ट्स आप लोगों की रिकमेंडेशन पे शेयर करने वाली हूँ. ऑनेस्ट रिव्यू इनका शेयर करूंगी कि आपको लेना चाहिए या नहीं, इनका फिट, इनका फैब्रिक, इनका साइज जो मैंने ऑर्डर किया था, मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जैसे कि हर बार करती हूँ. एंड यस, बहुत प्रिटी कलेक्शन है. अदरवाइज इसमें ज्यादातर आपको ना फ्लोरल कुर्ताज और अनारकली ड्रेसेस, गाउन सीखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इन है, समर अप्रोप्रिएट है. सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं. सबके कोड्स मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैंने साथ में मेंशन कर दिया है मीशो का लिंक और अपना कूपन कोड भी. कोशिश करूंगी कि मुझे इन प्रोडक्ट्स के अगर लिंक मिल जाते हैं तो वो भी वहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी. वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए और वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करने में. एंड इसी तरीके की अगर आप और फैशन हॉल वीडियो देखना चाहते हो या फिर फैशन से अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रांग बनाइएगा. अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का ब्यूटीफुल सा ह्यूज हॉल पिटारा चेक करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैंने ले लिया है आप ही लोगों की रिकमेंडेशन पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनारकली कुर्ता विद दुपट्टा मिलता है हमको. ये इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट एंड इट्स काइंड ऑफ अ यू नो फॉक्स जॉर्जेट. बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड प्रीमियम क्वालिटी का है ये. यहाँ पे आपको राउंड नेक मिल जाएगा, नेवी ब्लू कलर है इसका. एंड इसके पूरे ही योग पार्ट पे ना आपको ये भरा हुआ ये वाला जो होता है ना, ये दबके का काम मिल जाएगा जो कि पूरा स्टिचिंग में है. इसमें कुछ भी पेस्टिंग नहीं है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन वर्क है. पूरा का पूरा ये वर्क जो है कुछ ऐसे जाएगा, बीच में जाल बना रखा है, ऊपर फ्लावर डिटेलिंग है एंड देन इसकी बेल्ट पे भी आपको इसी तरीके से ये वाला पूरा फ्लोरल वर्क दिखने को मिल जाएगा. तो पूरा का पूरा जो है इसका लुक कुछ ऐसे आ जाता है. इसमें आपको मिल जाएंगी 3/4 स्लीव्स जो कि एकदम प्लेन है. ये आपको कुछ ऐसे लुक में मिलेगा, वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है. उसके बाद ये काफी ज्यादा फ्लेयरी है सॉलिड कलर में. ये देखिए कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत अच्छा खासा फ्लेयर है इसका नीचे एंड लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है. अंदर से आपको इसमें कॉटन की लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है. बहुत ज्यादा यू नो न्यूट्रल शेड है, ये हर स्किन टोन पे जाने वाला है तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो नाइट पार्टीज में, ये बहुत अच्छा लगेगा. बैक साइड पे आपको ये एकदम प्लेन मिल जाता है कुछ ऐसा. फैब्रिक गाइज इसका सीरियसली बहुत अच्छा है. इसके साथ हमको मिल जाता है कुछ इस तरीके से सेम इसी फैब्रिक और कलर में स्टोल जो कि एकदम प्लेन है. इसकी विड्थ कुछ इतनी रहेगी और लेंथ इसकी पूरी है. चारों तरफ आपको ये स्टिचिंग में मिल जाएगा तो कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हो. पूरा अच्छा खासा इसमें आपको स्टोल मिल जाता है. फैब्रिक इसका भी बहुत सॉफ्ट है. इसके साथ आप चाहो तो अंडरनीथ आप कुछ गोल्डन कलर का या फिर बेज कलर का प्लाजो बॉटम वेयर पेयर अप कर सकते हो. हल्की फुल्की गोल्डन ज्वेलरी इसके साथ वेयर कीजिए, जस्ट इयररिंग्स भी वेयर करते हो तो ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा. सो यस, फिट इसकी बहुत अच्छी आई है. मेरी तरफ से 10/10 है इन टर्म्स ऑफ वर्क, फैब्रिक एंड फिट. तो अगर आपको ये पसंद है तो आप डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गाइज, आई एम श्योर कि आप इसे बहुत लोगों को पसंद आने वाला है क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. यू गाइज नो कि मैं बहुत ज्यादा यू नो आई मीन टू फ्लोरल प्रिंट एंड एवरीथिंग, मल्टी कलर्स एंड फ्लोरल मुझे जब भी दिखता है तो मैं जरूर पिक करती हूँ. तो कुछ ऐसा ये बहुत ही प्रिटी सा हमको मिल जाता है फॉक्स जॉर्जेट फैब्रिक में अनारकली कुर्ता. यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलेगा जिसमें कि ये लेस डिटेलिंग एंड यहाँ पे ना पाइपिंग का वर्क मिल जाएगा. सो इसका नेक जो है वो कुछ इस तरीके से है. इसमें आपको जो स्लीव्स मिलती है वो कुछ इतनी मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स है इसमें. एंड आप देख सकते हो कि ना बहुत ये वाला जो इसका जो बेस कलर है ना गाइस वो बेबी पिंक है, बहुत ही लाइट पिंक है, दिस इज नॉट व्हाइट कलर. और उसके ऊपर आपको ये पूरा पेस्टल कलर से अगेन जो कि ये थोड़ा सा ब्राइट पिंक एंड पीच कलर है, पूरा फ्लोरल पैटर्न देखने को मिल जाएगा. एंड इस तरीके की ड्रेसेस जो होती हैं बहुत ही ज्यादा इजी टू कैरी होती हैं, कंफर्टेबल हैं. घर पे आप इनको हैंड वॉश कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है इनको. सो इसका लुक ओवरऑल कुछ ऐसा लगेगा, सिंपल येट डिसेंट. नीचे आपको वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है ये. एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप ट्राई ऑन को देखना, ये वेयर करके एब्सोल्युटली गॉर्जियस लग रहा है. इसके साथ आप पिंक कलर की या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो पर्ल इयररिंग्स वेयर कर लो, बहुत ज्यादा सुपर क्यूट लगने वाली है ये ड्रेस. नीचे आप देख सकते हो इसका फ्लेयर जो है वो कुछ इतना है, बहुत बड़ा फ्लेयर आपको मिल जाएगा. एंड इसके अंडरनीथ ना आपको एक तो लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है, ये देखिए लाइट पिंक कलर की, सो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट और यू नो सी थ्रू. बाकी इसका जो फ्लेयर है ना इसमें आपको ये पाइपिंग करके दे रखा है, ये देखिए कुछ ऐसा फ्रिल वर्क है. तो इसका जो फ्लेयर है वो बहुत ज्यादा फ्लोई लगता है एंड काफी ग्रेसफुल भी लगता है. सो ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा ड्रेस जो है ना ये इसी तरीके के पैटर्न में मिलेगा.
जस्ट लुक एट द कलर गाइज, रियली वेरी सूदिंग टू द आईज, स्पेशली समर सीजन की अगर बात करें तो। बैक साइड पे यहाँ पे आपको ये राउंड नेक मिलेगा और डोरी वर्क मिल जाता है, ये देखिए काफी अच्छी लंबी डोरी है इसमें गोल्डन एंड पिंक कलर की टैसल वर्क के साथ, बैक साइड का नेक है ये। एंड देन इस पे आपको पीछे पूरा यही फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा, ये देखिए। दिस वन इज सीरियसली हाईली रिकमेंड गाइज, इसका यू नो फैब्रिक, इसका प्रिंट, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। इसके साथ हमको मिल जाता है स्टोल जिसकी विड्थ कुछ इतनी रहेगी एंड लेंथ इसकी पूरी है, सेम फैब्रिक है, सेम प्रिंट पे आपको मिलेगा। एंड इसमें आपको ये वाला ना गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा गोटा पट्टी वर्क है जो कि ना चारों ही कोनों में इसके है। सो ओवरऑल इसका लुक पूरा ऐसे हो जाएगा। ट्राई ऑन को देखिए, अगर आपको ये पसंद आता है ना तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की कुछ वर्सेटाइल ड्रेसेस बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। सो दिस इज अगेन हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट गाइस, आप में से ना मुझे कुछ लोगों ने ये वाला ड्रेस सजेस्ट किया था, तो ये कुछ डिफरेंट पैटर्न में है एंड दिस इज रियली वेरी ट्रेंडिंग इन मीशो। जब भी आप यू नो कुर्ता या फिर अनारकली सर्च करोगे आपको ये दिखने को मिल जाएगा। सो आई थिंक येस, मैंने इसमें ना थोड़े डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में दो कलर ऑप्शन मंगाए हैं, तो आपने जो मुझे रिकमेंड किया था वो ये ब्राइट रेड कलर था। इसका जो शेड है वो ब्राइट रेड कलर है, आप देख सकते हो फैब्रिक इसका जॉर्जेट है एंड न्यूली वेड्स पे ये कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। राउंड नेक के साथ आपको ये फॉक्स जॉर्जेट में मिलेगा एंड पूरे ही कुर्ते में, आई मीन फ्रंट में और बैक में आपको ये सीक्वेंस का स्टिचिंग वर्क मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो सर्कल सर्कल पूरे ही फैब्रिक में इसमें बने हुए हैं एंड इसका लुक जो है फ्रंट में कुछ ऐसे आ जाएगा। स्लीव्स इसमें आपको फुल मिल जाएंगी एंड इस पे भी आप देख सकते हो ये पूरा सीक्वेंस के सर्कल्स जो है स्टिचिंग में जा रहे हैं स्लीव्स में भी। सो ओवरऑल इसका लुक यूं ही रहेगा पूरे ही कुर्ते का, वेस्ट तक आपको एकदम परफेक्ट फिट आने वाला है और उसके बाद ये काफी फ्लेयरी है, आप देख सकते हो नीचे इसका कितना फ्लेयर है एंड दिस इज लुकिंग रियली सुपर नाइस। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है तो आप कुछ इस तरह की यू नो अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल ड्रेसेस अपने वार्डरोब में रख सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम आपको वेयर करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी लगती है वेयर करने पे। नीचे से इसमें आपको लाइनिंग प्रोवाइडेड है ये वाली सेम शेड की, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। बाकी बैक साइड पे अगेन आपको इसमें मिल जाएगा राउंड नेक कुछ ऐसे एंड इसमें आपको डोरी वर्क भी दे रखा है बैक साइड पे कुछ ऐसा है जो कि गोल्डन एंड रेड कलर का। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसका डोरी वर्क है, साथ में आपको ये टैसल मिल जाते हैं सेम फैब्रिक के जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाकी बैक साइड पे भी ये बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको मिलेगा, ये देखिए ऑल ओवर फैब्रिक में आपको ये सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है फ्रंट में और बैक में एंड दिस इज लुकिंग सीरियसली वेरी नाइस। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, स्टिल इसके अंडरनीथ अगर आप कुछ वेयर करना चाहते हो आप लेगिंग्स वेयर कर सकते हो या फिर एक हैवी लुक देने के लिए इसके साथ आप गोल्डन या फिर बेज कलर की स्कर्ट या फिर यू नो शरारा जो है प्लाजो वगैरह वो पेयर अप कीजिए, तो एक हैवी यू नो इसका फ्लेयर को अच्छा सा यू नो एक लुक मिल जाता है। इसके साथ में हमको मिलता है एक स्टोल जो कि कुछ इस तरीके का है, डिजिटल प्रिंट में मिलेगा मल्टी कलर में, ये देखिए कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे आपको ये चारों तरफ स्टिचिंग में मिलेगा, कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है। इसकी विड्थ इतनी हो जाती है एंड लेंथ पूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोल के दोनों बॉर्डर्स पे आपको कुछ इस तरीके का ट्रेडिशनल प्रिंट दिखने को मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये वाले जो डिजिटल प्रिंट है ये आजकल काफी इन है। बाकी बीच में आपको ये पूरा ब्लू कलर का मिल जाएगा, ये देखिए पूरा ऐसे ब्लू एंड व्हाइट कलर का, इसमें पोल्का डॉट्स है, काइंड ऑफ यू नो बांधनी वर्क इसको बोलते हैं, तो ये पूरा ऐसे मिलेगा और ये हो जाता है इसकी दूसरी साइड का बॉर्डर। तो ये डिजिटल प्रिंट्स दुपट्टा आजकल प्लेन यू नो अनारकलीज में बहुत ज्यादा इन है। कुछ इस तरीके की ड्रेस आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, फिट इसका बहुत अमेजिंग आया। नेक्स्ट गाइस, आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो भी एक बहुत प्रिटी कंफर्टेबल समर अप्रोप्रिएट ड्रेस है। इसका जो फैब्रिक है वो है फॉक्स जॉर्जेट, आपको ये कुछ इस तरीके से इसका जो अपर पार्ट है वो ये वाले प्रिंट में मिल जाएगा जो कि व्हाइट बेस पे ये पूरा पेस्टल कलर्स का फ्लोरल प्रिंट हो रखा है। नेक की बात करें तो आपको इसमें राउंड नेक मिलेगा, हल्का सा यहाँ पे इस तरीके का यू नो लूप दे रखा है जो कि काफी डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमको ये वाले जो है इस तरीके के लूप्स मिलते हैं बट इसमें हमको कुछ ऐसा लूप दे रखा है विच इज क्वाइट डिफरेंट। तो इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा, इसमें हमको मिल जाएंगी शॉर्ट स्लीव्स कुछ इस तरीके से एंड ये जो है आपके वेस्ट तक ऐसे ही रहेगा, फिट इसका भी एकदम परफेक्ट आया है। बाकी नीचे जो इसका घेर है उसमें आपको ये मोव कलर मिल जाता है पोल्का डॉट्स के साथ। इसका फैब्रिक भी फॉक्स जॉर्जेट है और आप देख सकते हो कि इसका घेर कितना बड़ा है। दिस लाइलैक कलर इज सो ब्यूटीफुल प्रिटी एंड इन दीज डेज समर्स में ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है वेयर करने पर। एंड अगेन व्हाइट एंड मोव का कॉम्बिनेशन है तो ये भी बहुत न्यूट्रल है, फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अंदर आपको इसमें लाइनिंग प्रोवाइड कर रखी है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। इस ड्रेस की भी जो लेंथ है गाइज वो अच्छी खासी है। इसके साथ अगर आप कुछ बॉटम वेयर पेयर करना चाहते हो तो कोई भी पेस्टल कलर या फिर आप व्हाइट कलर इसके साथ
पेयर अप कर सकते हो। बैक साइड पे राउंड नेक मिलता है आपको और साथ में मिलता है ये डोरी वर्क, व्हाइट और सिल्वर डोरी है, साथ में ये वाला टैसल दे रखा है इसमें सेम फैब्रिक का। तो बैक साइड पे भी आपको अपर पार्ट पे यही पोर्शन मिलेगा एंड नीचे जो है ये पूरा ये ही वाला कपड़ा रहने वाला है, जो कि बहुत प्रिटी एंड ग्रेसफुल लग रहा है। बहुत प्यारी ड्रेस है गाइस, सीरियसली समर में वेयर करने के लिए। साथ में जो दुपट्टा मिलता है आपको वो नेट फैब्रिक का है, ये देखिए कुछ ऐसा, फुल लेंथ एंड फुल विड्थ है इसकी। एक सेकंड, मैंने शायद ये उल्टा पकड़ा हुआ है, हाँ कुछ ऐसा। इसमें हमको लाइलैक शेड में ही दुपट्टा मिल जाएगा, नेट फैब्रिक सुपर नेट है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट। एंड साइड में यहाँ पे आपको ये क्रोशे की जो है लेस डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, ये देखिए ये पूरी ही लेस डिटेलिंग इसके चारों तरफ रहेगी। विड्थ आप देख सकते हो इतनी है एंड लेंथ इसकी पूरी है, बहुत प्रिटी है पूरा दुपट्टा। इनफैक्ट पूरा सेट वेयर करने पे बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके के लाइट सोबर कलर्स कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस वो बहुत ही ब्यूटीफुल अनारकली एंड दुपट्टा का सेट है, स्पेशली जिनको ब्लैक वेयर करना है पसंद, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होने वाला है ऑप्शन। कुछ ऐसा आपको ब्लैक कलर का गाउन मिल जाएगा जिसका फैब्रिक है जॉर्जेट। यहाँ पे आपको ये वाला वी नेक मिलेगा जिसमें कि आपको ये गोल्डन कलर का जो है पूरा गोटा पट्टी का वर्क मिल रहा है। सो इसका लुक जो है नेक का कुछ ऐसा हो जाएगा एंड स्लीव्स आपको इसमें मिलेंगी 3/4 स्लीव्स के एंड पे आपको ये गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है। बाकी ये जो है एकदम प्लेन सॉलिड कलर का है, इसकी जो है एकदम टेलर्ड फिट दे रखी है, क्योंकि मैं यही देख रही थी इसमें ना, ये देखो आप ये वाला स्टिचिंग किया हुआ है तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, इसकी फिट काफी अच्छी आई है। बाकी यहाँ पे जो है आपको नीचे एकदम सॉलिड इसी तरीके से मिलने वाला है, इसका घेर बहुत अच्छा खासा है, ये देखिए पूरा का पूरा इसी तरीके से रहेगा, प्लेन है बट इसका दुपट्टा जो है इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर देता है। नीचे इसमें आपको दे रखी है लाइनिंग, तो ये सी थ्रू नहीं है। बाकी अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे आपको इसमें ना राउंड नेक मिल जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा राउंड नेक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। एंड पीछे ना इसमें आपको दे रखी है दो दो डोरी, ये देखिए दो डोरी एक साइड पे, साथ में ये टैसल वर्क आपको दे रखा है और ये दूसरी तरफ की डोरी हो जाती है, दो दो डोरियां टैसल वर्क के साथ जो कि बहुत प्रिटी लग रही है। बाकी पीछे से ये पूरा सॉलिड कलर का ब्लैक में ही रहेगा, ये देखिए कुछ ऐसा है। एंड इसके साथ हमको जो इन्होंने दुपट्टा दिया गाइज वो इसकी यू नो लुक को काफी ज्यादा चेंज कर देता है। शिफॉन का दुपट्टा है, हैवी लुक में आपको दुपट्टा मिलेगा एंड बहुत ज्यादा प्रिटी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लहरिया प्रिंट में दुपट्टा मिलता है। आप देख सकते हो कि दुपट्टे में ना इन्होंने ये वाला गोटा पट्टी का वर्क और ये वाला लेस डिटेलिंग गोल्डन कलर का लगाया हुआ है, ये देखिए कुछ ऐसा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एकदम मक्खन की तरह इसका फैब्रिक है और ब्लैक कलर के ऊपर ये व्हाइट कलर की जो है लहरिया लाइंस आपको मिल जाएंगी पूरी ऐसे। सो इट्स रियली वेरी प्रिटी। अगर आपको ब्लैक यू नो पहनना कंफर्टेबल हो आप उसको वेयर करने में, या फिर आपको ब्लैक शेड पसंद है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड एक यू नो हल्के से हैवी लुक में आपको मिल जाती है येट कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल है, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। अंडरनीथ आप गोल्डन कलर का कोई भी बॉटम वेयर के साथ पेयर कर सकते हो एंड गोल्डन इयर रिंग्स, इट विल लुक सुपर अमेजिंग। तो आपको अगर कुछ ऐसा पसंद है डेफिनेटली आप ट्राई करके देखिएगा इसको भी। नेक्स्ट जो है गाइस कुछ इस तरीके का आपको फॉक्स जॉर्जेट में मिल जाएगा फ्लोरल अनारकली, ये देखिए कुछ ऐसा है। इसका जो बेस कलर है वो है नेवी ब्लू कलर, ऊपर आपको ये पूरा डिजिटल प्रिंट मिलेगा यू नो ब्राइट पिंक कलर के, इसमें आपको पूरे रोज का पैटर्न दिखेगा। ये भी बहुत ज्यादा यू नो कन्वीनियंट है वेयर करने में एंड आप इसको आराम से जो है यू नो मैनेज कर सकते हो घर में, हैंड वॉश करना या फिर इसमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट ऐसे ही वेयर कर लो। राउंड नेक के साथ आपको इस प्रिंट में ये मिल जाएगा, फ्रंट में स्लीव्स इसमें आपको मिलेंगी फुल स्लीव्स एंड ये जो है गाइस यहाँ पे आपको वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है और उसके बाद इसका फ्लेयर भी जो है बहुत अच्छा है, ये देखिए कुछ इतना इसका फ्लेयर हो जाता है, बहुत फ्लेयरी ड्रेस है एंड ट्रस्ट मी ये भी वेयर करने के बाद बहुत प्रिटी लगती है। अंडरनीथ इसमें हमको मिल जाएगी लाइनिंग ब्लू कलर की, सो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट। बैक साइड पे आपको राउंड नेक मिलेगा डोरी वर्क के साथ, ये देखिए यहाँ पे ना ब्राइट फूशिया पिंक कलर की आपको ये डोरी मिलेगी गोल्डन कलर के टच में एंड इसमें आपको मिल जाते हैं ये टैसल वर्क, साथ में पीछे पूरा यही डिजिटल प्रिंट लगेगा, ये देखिए न्यूट्रल शेड है, हर स्किन टोन पे जाएगा। आप चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन यू नो फेयर है मीडियम है या फिर डार्कर, इट विल लुक सुपर अमेजिंग ऑन एवरीवन। नाउ इसके साथ हमको मिल जाता है एक स्टोल जो कि कुछ ऐसा रहेगा, प्लेन स्टोल है जॉर्जेट फैब्रिक का,
काफी ज्यादा सॉफ्ट है आप देख सकते हो, एंड ये भी जो है आपको चारों तरफ से स्टिच होके मिल रहा है ये देखिए। सो इसमें कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं निकलेगा, कंफर्टेबली आप पूरा सेट वेयर कर सकते हो। इसके साथ अगर आप चाहो ना, वैसे तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है, बट आप ब्लू या फिर पिंक शेड में आपके पास जो भी बॉटम वेयर है उसको पेयर अप कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो जॉर्जेट फैब्रिक में ही आपको अनारकली मिलेगा, और ये आपको मिलेगा रॉयल ब्लू कलर में, कुछ इस तरीके का ब्राइट ब्लू कलर है, जिसके ऊपर ये जो आप वर्क देख रहे हो ये पूरा जरी एम्ब्रॉयडरी है। ये वाला फ्लावर का जो जरी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है ये आपको पूरे फैब्रिक में मिलेगा, पूरे ही कुर्ते पे आगे और पीछे। सो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा। बाकी ये इसमें ना कुछ ऐसे ये रेक्टेंगुलर नेक मिलेगा आपको, स्लीव इसमें आपको मिल जाएंगी 3/4 कुछ ऐसी, आप देख सकते हो इसमें भी ये पूरा वर्क हो रखा है, एंड ये जो है आपको वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट रहेगा। और उसके बाद ये भी जो है काफी फ्लेरी है, आप देख सकते हो इसमें पूरा वर्क नीचे तक हो रखा है, हैवी लुक में वर्क है, एंड अंडरनीथ इसमें भी आपको मिल जाएगी लाइनिंग जो कि कुछ इस तरीके की है। सो ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी बैक साइड पे आपको राउंड नेक मिलेगा इसमें डोरी के साथ, ये देखिए ये इसकी डोरी है, काफी अच्छी खासी लंबी लंबी डोरियां दे रखी है इसमें, ये देखिए ब्लू एंड गोल्डन कलर की टैसल वर्क के साथ मिलती है, और ये हो जाता है इसका राउंड नेक। बाकी ये पूरा नीचे तक आपको इसी तरीके के वर्क में मिल जाएगा। फ्लेयर वाइज इट इज वेरी नाइस, बहुत प्यारा लगता है ये। नाउ इसके साथ दुपट्टा कहाँ गया, इसके साथ जो हमको दुपट्टा मिलता है गाइज वो भी डिजिटल प्रिंट में है कुछ ऐसा, ये देखिए बहुत प्रिटी लगता है, एंड कलर कॉम्बिनेशन इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लू के साथ। इसका जो विड्थ है वो कुछ इतना स्टोल के हिसाब से रहेगा, लेंथ पूरा है, और आप देख सकते हो कि इसके बॉर्डर पे जो है ये वाला आपको वर्क दे रखा है। बाकी बीच में ये पूरा ट्रेडिशनल पटोला सिल्क साड़ीज में जो आपको वर्क देखने को मिलता है ना, कुछ उस तरीके का इसमें पूरा प्रिंट दे रखा है, ये देखिए पूरा इसमें जो है कुछ ऐसा वर्क है, काफी ट्रेडिशनल लगता है, पीच ऑरेंज ग्रीन ब्लू मल्टी कलर का है तो बहुत प्रिटी है, काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, एंड ओवरऑल ये वेयर करने के बाद काफी ग्रेसफुल लगता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी ड्रेस वेयर करना पसंद है ब्लू कलर में स्पेशली, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूंगी एक स्कर्ट चोली और दुपट्टा का सेट। इसका एक शेड मैंने आपके साथ अभी पीछे 2-3 वीडियोस पहले शेयर किया था, आपको काफी पसंद आया था, तो आपका रिक्वेस्ट मुझे इस कलर के लिए भी आ रहा था, तो मैं आपके साथ ये वाला कलर शेयर करूंगी जिसमें चोली आपको मिल जाएगी कुछ ऐसी फॉक्स जॉर्जेट में, और ये जो है वाइन प्लम कलर सा है जिसके ऊपर पूरा ये फॉल्स मिरर की डिटेलिंग मिल जाएगी राउंड नेक के साथ, और ये पूरा स्टिचिंग में आप देख सकते हो कुछ भी पेस्टिंग नहीं है, एकदम फाइन वर्क हो रखा है इसमें। ओवरऑल इसकी चोली जो है कुछ ऐसी है, एंड इसकी लेंथ भी जो है वो काफी अच्छी है, तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। बाकी इसकी स्लीव्स आपको इसमें मिल जाएंगी 3/4, ये भी सेम फैब्रिक में ही रहने वाले हैं, ये देखिए कुछ ऐसे, एंड बैक साइड पे जो है आपको ये कुछ इसी तरीके का मिलेगा राउंड नेक के साथ, यही वर्क है, नेक पे आपको डोरी वर्क मिल जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा। एंड गाइस इसके अंडरनीथ आपको मिल जाएगी लाइनिंग, सो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है, ये देखिए पूरा लाइनिंग है, एंड इसमें मार्जिन भी काफी अच्छा खासा है, तो आप ना इसको अगर इनकेस आपको लूज करना है तो आप इसको स्टिच भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको हल्का सा अगर ये टाइट होता है तो आप इसको लूज करवा सकते हो, अंदर मार्जिन काफी अच्छा है। और पीछे से जो आवाजें आ रही हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे घरों में ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये आपको ऑन एंड ऑफ बीच में आती रहेंगी। नाउ इसके साथ हमको जो स्कर्ट मिल जाती है वो कुछ ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल से पेस्टल पिंक कलर की है, ये देखिए बेल्ट आपको इसमें मिल जाएगी कुछ ऐसी, तो आप इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग डाल सकते हो, फिट इसकी बहुत अच्छी आई है, एंड काफी फ्लेरी है, ये देखिए पूरा ही पेस्टल पिंक कलर में मिलेगा आपको ये नीचे तक, फ्लेयर इसका आप देख सकते हो बहुत बड़ा फ्लेयर है, एंड फ्लेयर के नीचे आपको ये वाला पैचवर्क मिल जाएगा वाइन कलर का ही, ये देखिए इसमें पूरा ये वाला फॉल्स मिरर का वर्क है, ये पूरा पैचेस में लगाया है, एंड अंडरनीथ इस स्कर्ट में आपको मिलेगी लाइनिंग, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट सी थ्रू नहीं है। आप ट्राई ऑन को देखिए, इसका घेरा सीरियसली गाइस बहुत बड़ा है, काफी प्रिटी लगता है। इसके साथ इन्होंने दे रखा है हमको एक दुपट्टा फुल लेंथ और विड्थ का जो कि कुछ ऐसे है, ये देखिए साइड पे जो है इसकी लेंथ में इन्होंने ये पैचवर्क दे रखा है वाइन कलर का, बीच में ये पूरा प्लेन पिंक ऐसे ही रहने वाला है, और ये हो जाता है इसका दूसरा सिरा, तो लेंथ वाइज काफी प्रिटी है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, कुछ डिफरेंट आप वेयर करना चाहते हो ओकेजनली तो ये काफी अच्छी ड्रेस रहने वाली है, आप इसको ट्राई कर सकते। नेक्स्ट गाइज, आप में से एक ने मुझे इस नेकलेस का रिव्यू मांगा था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का है, एंड बहुत डेंटी है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो ऊपर जो है आपको ये लेयर 3 लेयर्स में मिल जाएगा, तो ऊपर कुछ इस तरीके का चेन है, बीच में आपको ये वाला हल्का सा जो है पर्ल इसमें स्टोन का डिटेलिंग दे रखा है, एंड नीचे वाली लेयर में कुछ ये ऐसा
है. सो ये ना वेस्टर्न वेयर्स के साथ वेयर करने में बहुत अच्छा लगता है एंड इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. बिल्कुल भी यू नो ब्लिंगी सा नहीं है, काफी डिसेंट गोल्डन कलर का है ये एंड ये बहुत प्यारा लगता है. सीरियसली आजकल इस तरीके के नेक यू नो नेकलाइंस बहुत ज्यादा चल रही हैं और ये काफी अफोर्डेबल भी है. आई थिंक समवेयर अराउंड 150 कुछ का है ये. सो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है. आप देख सकते हो इसकी लुक कुछ ऐसी है, ऊपर आपको ये वाला लेयर मिलता है, नीचे ये वाला एंड देन लास्ट में ये. तो ये काफी अफोर्डेबल है, बहुत प्रिटी लगता है. तो अगर आप समर्स में अपनी ड्रेसेस के साथ कुछ यू नो रीजनेबल देख रहे हो वेयर करने के लिए तो ये काफी अच्छा रहने वाला है. इसमें आपको ना ये लूप दे रखा है इसको बंद करने के लिए, ये देखिए ये वाला डिटेलिंग जो है ये दे रखा है, तो आप इसको सिक्योरली बंद कर सकते हो. एंड दिस इज रियली वेरी लाइट वेट, नॉट एट ऑल हार्श ऑन योर स्किन. सो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से ये थम्स अप है. नेक्स्ट गाइस, मैंने ना एक रिंग ऑर्डर करी थी जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उसमें दो का कॉम्बो था एंड दोनों रिंग्स जो थी डिफरेंट थी, लेकिन जो मुझे रिसीव हुई है उसमें एक रिंग कॉमन है, मतलब जो दिखाई गई थी वही है और दूसरी रिंग उसमें जो है डिफरेंट है. बट ठीक है, मतलब जितना मैंने पे किया है अकॉर्डिंगली दोनों मुझे पसंद आई. कुछ इस तरीके की ये ना ऑक्सीडाइज एडजस्टेबल रिंग्स हैं, आप देख सकते हो. ये देखिए ये वाली रिंग जो है उसमें दिखा रखी थी, तो ये तो मुझे एज इट इज मिली है. कुछ ऐसा बटरफ्लाई सा इसमें लुक दे रखा है, तो ये बहुत प्रिटी लगता है, बहुत ज्यादा यू नो ओवर भी नहीं है एंड वेयर करने पे काफी प्रिटी लगती है. देखिए कुछ ऐसी है. दूसरी ना इसके साथ एक बड़ी बल्की रिंग दिखाई थी, बट उसकी जगह मुझे रिसीव हुआ है ये छोटू सा रिंग. आप देख सकते हो कुछ ऐसे लीफ पैटर्न में है, तो ये वेयर करके कुछ ऐसी लगती है. तो प्राइस अकॉर्डिंगली तो ये सही है, बट एक्चुअली में जो आप दिखाते हो आपको देना भी वही चाहिए. मैं तो यही बोलूंगी, दोनों एडजस्टेबल रिंग है. ये वाली फ्रंट से आप एडजस्ट कर सकते हो और ये बैक साइड से. क्वालिटी वाइज इट्स 10/10. तो आप ट्राई करके देख सकते हो. आई डोंट नो कि मुझे शायद उन्होंने गलती से ये वाली दे दी है उसकी जगह, तो इट्स ऑल अप टू यू. अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज इट्स वेरी नाइस. आपकी यू नो कुर्तीज वगैरह के साथ काफी प्यारी लगने वाली है, तो आप इनको ट्राई करके जरूर. इस पीछे मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था स्विस ब्यूटी का ये क्रीम एंड टेंट का टब, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया एंड मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि आप इसका एक सेपरेट रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिए. तो गाइज ये ना कुछ इस तरीके की बॉक्सिंग में आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो. छोटी सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जो कि एकदम नॉर्मल है, एकदम बढ़िया, और इसमें मेंशन है कि दिस इज नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, दिस इज पैराबेन फ्री, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर, नेचुरल प्रोडक्ट एंड दिस इज वीगन. तो आप इसको आराम से आंख बंद करके जो है यूज कर सकते हो एंड दिस इज सो सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट गाइज. कुछ ऐसा छोटू सा आपको टब मिल जाता है, दिस इज समवेयर अराउंड फॉर 159 और 160, बट सीरियसली आई मीन इसकी वर्थ बहुत, आई मीन ये बहुत प्यारा है. कुछ इस तरीके का जो मैंने इसमें शेड लिया है ना, ये फ्रूटी फिग है, आपको ये टब मिलता है. आप इसका ये लिड ओपन करोगे तो अंदर ना आपको कुछ इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी जो कि आपकी काफी टाइम तक चलेगी. कुछ ऐसा टेक्सचर है इसका और आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा बटरी है, ये देखिए कुछ ऐसा है. तो अगर आप लिप्स में अप्लाई करते हो तो ये बहुत प्रिटी लगता है, अदरवाइज अगर आप अपने यू नो चीक्स वगैरह में इसको अप्लाई करते हो तो ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ये देखिए कुछ ऐसे. एंड काफी ज्यादा नेचुरल लगता है क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका जो है लुक आ रहा है, बहुत ज्यादा नेचुरल एंड फाइन लगता है ये. सो जिन लोगों को यू नो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, आई विल सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ यू नो बेट ब्लश आप इस तरीके के जो है क्रीम यू नो लिप एंड टेंट्स आ रहे हैं वो आप ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा एंड इसका स्टे भी काफी अच्छा है, दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. तो इसको कर दिया है मैंने गाइज वीडियो में टैग, आप वहां से डायरेक्ट इसको जो है क्लिक करके परचेज कर सकते हो. सो आई रियली होप गाइज कि आज का ये प्यारा सा हॉल पिटारा आपको जरूर पसंद आया होगा. अपनी रिकमेंडेशन और सजेशन प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. कुछ कोड्स हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ का भी प्लान कर रही हूं कि मुझे क्या क्या चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो मतलब मैं मिस कर जाऊंगी. ओके, सो आई रियली वॉन्ट गाइज की जो आप लोगों की पसंद है, आपकी चॉइसेस है, वो ही मैं आप लोगों तक लेकर के आऊं, ताकि आपको यू नो एकदम क्लियर हो जाए परचेज करने से पहले कि आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल पिटारा आप लोगों के लिए, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिएगा. टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड. सी या.